कौन कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे ऐसे हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। तो इसी नेक दुआ के साथ आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब बहन भाई से यही एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो आज आपको पता है कि छुट्टी का दिन है संडे, तो आज जो है ना बच्चे सब जो है ना नहा धो के ना फ्रेश हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ताकि जो है ना कल से फिर स्कूल जाएंगे। छः दिन फिर जो है ना टाइम नहीं मिलता, अभी दिन छोटे हो गए हैं ना तो इसी वजह से। क्या है सर्दी है जी? सर्दी आ गई है। प्रिया ज्योति ज्योति पाऊ हैं। वालेकुम बेगम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। तो अभी चाय बना रहे हैं भाई खलील ऐसे। हाँ, गैस खत्म हो गया है। गैस हो गई। तो मैं जा रही थी वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने कहा तो चाय पी के जाऊं। ठीक है, गैस लेते जाए। हाँ। गैस खत्म हो जाता है अभी तो, शुक्र है सस्ता हो गया है। वो क्या आजकल कह रहे थे नीचे कमेंट सेक्शन में, कहते हैं कि आप अपनी बेगम से कहें आप सर्दियाँ आ गए हैं, हमें कोई रेसिपी बनाने का तरीका सिखाए। अच्छा। भैया बहुत बड़ी शेफ है, कुकिंग करती है बहुत ज्यादा। कुकिंग देखते नहीं है ना, फिर कोई तो देखते हैं, दो तीन तो कह देते हैं, बाकी के लोग नहीं देखते ना। देखते रहे देखते आप बनाए ना, कोई अच्छी अच्छी चीजें बनाए ना, फिर देखेंगे क्या है। क्या है भैया? हाँ क्या है? हाँ क्या है? पैसे दिए नहीं आपको? मैंने कहा नहीं जी। जूती सर्दी है ना, हुरिया ने ना गर्म कपड़े पहन लिए, ये देखें। भैया 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 इधर देखो, इधर भैया इधर देखो, लकड़ी डालो। काम पर करती है भैया, काम भी करती है। ये देखो लकड़ी भैया, चीनी चीनी ये देखें भाई हमारी छोटी, इसके लिए कैप लेके आए हैं। सूट तो दिखाओ इसका, उधर जाकर दिखाऊंगी अभी। हैं नानी के घर? अच्छा शूज गिर गए, ये देखिए शूज है छोटा सा है। चले आते ही जो है ना बेगम जाना चाय की, चाय बनी, चाय बना रही थी ना, फिर पीनी पड़ गई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। स्कूल से आ गए ने तो आज नया फ्रॉक पहना है काला, माशाल्लाह माशाल्लाह, देख कितनी प्यारी लग रही है। रैन रैन क्या है? हुरिया हुरिया कैसे भी करती है, हुरिया कैसे करो माशाल्लाह से। इधर आप ही के घर पहुंच चुके हैं, तो ये देखें माशाल्लाह से सरसों का साग कैसा ज़बरदस्त है, जल्दी काश्त किया था ना इन्होंने, हमारे इलाके में इतना जल्दी काश्त नहीं किया। इधर खूबसूरत लग रहा है, प्यारा लग रहा है। सुना भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ कहाँ जा रहे हो? ऐसा भी आया हूँ, पढ़ रहे हैं, ठंडी हवा चली हुई है, मौसम चेंज हो रहा है, सब्जियाँ आ रही है ना। दांत निकल आए तेरे? एक निकल आया अभी ऐसे ना। अस्सलाम वालेकुम आपी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज आप सोनी लग रही है। आज ना मैं पका रही हूँ गंदलों का साग। गंदलों का साग? हाँ।
और सुनाए क्या हाल है? और बिल्कुल ठीक, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप अपना हाल सुनाए, आप लोग ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। और आपके व्यूअर्स भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे व्यूअर्स तो सब रोट कर भाग गए हैं। आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, आपसे कोई नहीं रोटता। नहीं, अभी रोट गया है, पता नहीं कब आएंगे। आ जाएंगे, चलें देखते हैं। फिलहाल तो हम गुंदरों का साग खा रहे हैं। आप ही वो, मैं आपको ये बता रहा था कि पता नहीं आपके पास तो मोबाइल नहीं है, आर जे मैविश की एक बेटी है, वो मुस्कान ज़ारा उसका नाम था जी। तो मैंने वो सुना है कि YouTube पे, पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा, वो ना उसने नहीं, मैंने देखा है। देखा हुआ है? हाँ, देखा हुआ है। उस लड़की को देखा हुआ है? उस लड़की को देखा हुआ है। फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में एक मरतबा सोनिया वालों के घर में भी। हाँ हाँ, वही 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 वो आए थे, वाकई आए थे। वो जाना, उसने खुदकुशी कर ली है। तो कुछ दिन पहले उसका एक कजन था, अपना मंगेतर था उसका नाम था, वो यूनिस, तो वो भी जाना खुदकुशी कर ली थी। आप आज जो है ना उसने कर लिया, मुझे तो बहुत ज्यादा इस चीज का भी आ गया। आज छोटी को देखें तो ओए होए 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 होए, आज तो बड़े काला सूट पहने हुए हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। तो बात ये कह रहा था कि आप क्या कहना चाहेंगी आप ही उनके लिए? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला उसको जो है ना, उसने जो ये काम किया है, ये बहुत गलत काम किया है उसने, बहुत ही गलत काम किया है। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि ना इस दुनिया में कुछ जगह होती है और ना ही अगले जो, क्योंकि अल्लाह ताला जिंदगी देता है, वो ये नहीं कहता कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म कर लें। वो अल्लाह ताला जब पैदा करता है, वो कहता है कि मैं आप लोगों को पैदा करने वाला भी मैं हूँ और आप लोगों को मारने वाला भी, यानी कि मौत देने वाला भी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इतनी अल्लाह पाक ने नेमतें हमें दी हैं। और इसके बाद जो अल्लाह ताला ने हजारों की तादाद में जो नेमतें हमें अता की हैं, और फिर हम इतनी खूबसूरत जिंदगी हमें दी है। लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत बड़ी होनी चाहिए, हम बहुत कुछ देख सकें। तो ये अपनी जिंदगी को खुद जो लोग खत्म कर लेते हैं, वो बहुत ही गलत करते हैं, बहुत ही बुरा करते हैं। बुरा, बिल्कुल बहुत बुरा करते हैं। बाकी अल्लाह ताला, बाकी जो अल्लाह ताला की जात जानती है, बेहतर जानती है, अल्लाह ताला उनकी सब्र दे और मगफरत, उनकी फैमिली को ये इतना कहूंगी कि अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र अता करे जी। साग बनाना शुरू करें फिर। हुरिया भी आ गई, आपका सारा किचन हुरिया उल्ट पुलट कर देगी। हुरिया को तो मैं मारूंगी। हुरिया ने भी बहुत प्यारे प्यारे कपड़े डाय पे नंबरों का साग खाएगी, नंबरों का साग खाएगी। आप तो हुरिया ने भी प्यारे प्यारे, मुझे ये बताएं आप लोग किसी फंक्शन में आ रहे हैं? नहीं नहीं, वैसे हुरिया ने पहना हुआ सूट। आ हसीब और अभी छोटी जो है ना मशीन लेकर आए हैं हम, जो ये तो मैं पहली मरतबा देख रही हूँ। चले आप ऐसा करें, इसको लगाएं, मैं इसको पकड़ते, एक मिनट सबर करो, पहले मुझे इसको पकड़ने दो, काबू करना, फिर ये कहीं भाग ना जाए। नहीं, कहीं नहीं भाग। लगाओ मुझे, सुबह भी मैं इसी कार्य के लिए लगा दिया है। चल चलाओ, चला। बटन डालो ना इधर, डालो। इस तरह से हम इसको पीस लेंगे। अलालो ली कहो हुरिया, कहो और सुने बेगम, कल चले फिर आपकी आंखों का देखिए सामने, आप देख सकते हैं। नजर के सामने दीद नहीं होती, नजर के सामने आ गई। वो पता क्यों, ये वो मोतिया जो होती है ना, सफेद मोतिया, वो नहीं आई, ये गोश्त का टुकड़ा है, वो टुकड़ा है, वो आ गया। ये किस तरह है मैं आपको सब बताती हूँ। जब छोटी सी थी ना मैं, तो हुरिया और हुरिया जैसे है, तो इस तरह की थी वो लैबा, और सोनी जैसे हुरैना इस तरह की लैबा थी, इससे बड़ी थी, बल्कि हुरिया से भी बड़ी थी, तो थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जो है ना मुझे इतनी जैसे जे प्यार लगती है ना, वैसे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती, क्योंकि मैं बड़ी थी ना, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, सबसे ज़्यादा सोने से ज़्यादा प्यार करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार लगती थी सोनिया। तो उन्होंने जो है ना हम खा रहे थे, इमली नहीं होती कच्ची इमली, हाँ इमली कच्ची खट्टी खट्टी इमलियाँ जो आम हम कहते हैं, तो वो जो है ना हम नमक और मिर्च के साथ मिक्स करके खा रहे थे। जैसे ही नमक और मिर्च हम लेकर आए ना, है वो जो सोनिया है ना, उन्होंने सारी छोटी सी बच्ची समझ दी थी, उन्होंने सारी आंखों में डाल दी,
तो उस वक्त फौरन इलाज कर लेती ना, दवाई वगैरह देती मेडिसिन तो शायद ठीक हो जाती, लेकिन उस वक्त पता नहीं था, तो ऐसे लाल होती गई तो ये गोश्त का टुकड़ा ऊपर आ गया। तो उसी दिन से अभी तक जो है ना थोड़ा थोड़ा आ रहा, तो फिर मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया था पिछले साल, तो उन्होंने कहा कि अभी देर है आप दवाई डालो, तो अभी चेकअप करवा कर रही हूँ, तो उन्होंने अभी दवाई दी है तो वो डाल रही हूँ, तो इंशाल्लाह ना डॉक्टर कहते हैं कि ये एक दो दिन में जो है ना ये ऑपरेशन ही होता है, ये थोड़ा सा होता है, ये उतार देंगे जैसे भी, तो क्योंकि ये नज़र के मसला होता है, तो इसी वजह से मैंने कहा कि जब ये काम करना चाहिए ज़्यादा ना हो जाए। तो सोनिया ने इतना बड़ा जुल्म किया था मेरे साथ, तू करे अलालोली, ये कहती है अलालोली माँ भोली प्यू राजा सोने का दरवाजा, माँ भोली है बस बस बस। चलो मैं वीडियो का एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो माँ भोली आज की वीडियो हमारी आप सब बहन भाई को अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इसी चैनल पे, हमें दीजिए इजाजत। हाँ माँ भोली, अल्लाह हाफिज़।